वेलकम क्लास 10। अभी हम दोबारा से इसके अभी फैक्टर्स में ही हैं। ए फोर प्लस ए फोर प्लस ए स्क्वेयर प्लस वन। ए फोर इज द स्क्वेयर ऑफ ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर प्लस टू इंटू ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस वन होल स्क्वेयर। आप क्वेश्चन में मिडल में सिर्फ ए स्क्वेयर दिया हुआ है, तो हमारा कंप्लीट स्क्वेयर होने में टू ए स्क्वेयर आ रहा है। हम तो एक है ए स्क्वेयर एक्स है, उसको माइनस कर देंगे, माइनस ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर हो गया ये आपका, ये जहाँ तक ये दोनों टर्म्स, फर्स्ट प्लस मिडल में जो लिखा है साइन, वो फर्स्ट टर्म मिडल साइन, लास्ट का होल स्क्वेयर माइनस ए होल स्क्वेयर। अब ए को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी, आएगा ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस वन। अब मिडल में लिख दिया ए को, आप भी उधर भी लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस वन ए प्लस वन। नो दिस इज आंसर बेटे। अभी इसमें एक मैं आपसे शिफा अपना मुझे चैट पे इसका आंसर बताइए। एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे आर कॉल्ड डैश। द एंगल हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज आर कॉल्ड डैश। चैट पे बताइए क्या आंसर है इसका। एन एंगल्स हुज आर्म फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे आर कॉल्ड डैश। शिफा चैट पे आंसर बताइए। शिफा अनम्यूट। द एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज आर कॉल्ड डैश। आई थिंक शी लाइक टू आंसर डायरेक्टली। एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। ओके okay? नेक्स्ट है, एक और आपसे पूछना है, खास तौर पे सभी जितने तमाम बच्चे, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट एट दिस टाइम। स्पेस इज ए डैश सेट ऑफ ए प्लेन। स्पेस इज ए डैश सेट ऑफ ए प्लेन। चैलेंज क्वेश्चन एमसीक्यू आपकी बुक के अंदर रह दिया हुआ। स्पेस
स्पेस इज ए डैश सेट ऑफ ए प्लेन। एनी वन ऑफ द स्टूडेंट, स्पेस इज ए डैश सेट ऑफ ए प्लेन। स्पेस इज अ डैश सेट ऑफ प्लेन, PLAN, प्लेन। स्पेस इज ए डैश सेट ऑफ प्लेन, PLAN, इज ए डैश सेट ऑफ प्लेन। Space is a dash set of plane. बेटे आप हाँ यस और नो में आंसर दे दो, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं। स्पेस इज ए डैश सेट ऑफ ए प्लेन, डैश में क्या आएगा? Space is a dash. Space is a superset of a plane. And plane is a subset of space. Space ka plane subset hai aur space plane ka superset hai. Okay? Ek aur. Logarithm of unity to any base is dash. Logarithm logarithm of a unity to any base is dash. बेटे मैं आपको एमसी कुछ ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे आप बुक के अंदर दिया है कि कहीं कोई आ जाए, तो ऐसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि आपको मैं आपका टाइम किल करने के लिए। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज डैश, आंसर आता है तो यस बता दीजिए, नहीं आता सॉरी। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो होगा। लॉग ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, इन्हें इसको लिखेंगे लॉग वन टू द बेस एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यूनिटी में वन, लॉग वन टू द बेस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होगा। तो मैंने आपको ये पूछा है कि log of unity to any base is dash, तो unity mean one, तो log x log one और base क्या होगा? x suppose कर दिया, log one to the base x is equal to क्या होना चाहिए? zero, क्योंकि x के पास zero is equal to one होगा, तो is equal to zero होना चाहिए, क्योंकि उसको logarithm को exponent form में लिखेंगे तो log यूनिटी टू बेस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? वो वाई लिख देंगे, सपोज एक्स रेस पर वाई इज इक्वल वन, तो वाई की क्या वैल्यू हो कि वन हो जाए? तो एक्स के पास जीरो इज इक्वल वाई आपका जीरो होगा तो तभी वन होगा।
ओके ओके अच्छा बेटे, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2017 हो चुका है, यस लिखिए, नहीं हुआ तो 2017 यस लिखिए। ओके सिक्सटीन, ये बताइए हो चुका है, 2016 2016 हो चुका है, इसका भी यस लिखिए अगर हो चुका है तो। यस हो चुका है, नेक्स्ट वन 2015, नेक्स्ट 15 का क्वेश्चन, वन जीरो सिक्स 2016 इसका क्वेश्चन हो चुका है, 2016 का, ये तो 2017 के हैं। टू जीरो वन सिक्स वन फाइव 2017 2017 का लास्ट का क्वेश्चन होगा, 2016 हो चुका है, यस लिखिए, नहीं हुआ तो बताइए। 2015 ईयर 2015 1515 जल्दी से बेटे, 2015 के हो गए, आप कॉपी पे करते हैं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ इसलिए। नहीं अभी तक नहीं हुआ। 2015 के क्वेश्चन देखिए, हेलो, फोर ए फोर प्लस 625B4, इसका भी हम ये रिपीट किया गया है, ये पहले भी किया गया था, रिपीट किया हुआ है पहले ईयर में, तो इसका 2A² होल स्क्वायर और 25B² होल स्क्वायर में 2AB मालूम करते हुए वही माइनस करेंगे, तो ये आपने 5.2 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस टू वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 64Z³, ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई, तो क्या आंसर होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये अप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू वाई, ये लिखेंगे एक्स माइनस टू वाई माइनस 4z, एक्स माइनस टू वाई माइनस 4z होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स माइनस
2y minus 4z bracket close curly brackets x minus 2y whole square plus x minus 2y into 4z plus 4z whole square small bracket close curly bracket close is equal to x minus 2y minus 4z x square minus 4 x y plus 4 y square plus 4 x z 4 x z minus 8 y z close. Why is that close? This is answer. That's 16z square. Okay, this is the answer. That's 16z square. Okay, next. A x 4 minus a over 16. A common लेंगे x 4 minus 1 over 16. A square minus b square का formula apply करेंगे x square whole square minus 1 over 4 whole square. Curly bracket close. Next, a into x square minus 1 over 4. Bracket close. A is x square plus 1 over 4. Ab x square minus 1 over 4. Again, a minus b plus b ka formula apply karenge. A into x minus 2 into x plus 1 over 2. The bracket. Close bracket x square plus 1 over 4. Now this is the answer. Yeah, 5.1 main question diya hua hai. Next question. Years 2014. Eight a cube plus b cube plus 27 c cube minus 18 a b c i आगे लिखें माइनस 18 ए बी सी आप खुद भी साथ साथ खुद कीजिए 18 ए बी सी 18 ए बी सी BC ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हमारा
18 ABC आना चाहिए, ऊपर 18 ABC, 1 8 आएगा यहाँ पे, 1 और 8, वन एंड एट, एटीन ए बी बेटे, यहाँ पे 18 ABC से आप लिख लेंगे। नेक्स्ट नीचे एटीन ए बी सी, नेक्स्ट ए टू ए लिखेंगे नीचे, नेक्स्ट में आएगा 2A+B+3C, कर्ली ब्रैकेट, 2A स्क्वेयर्स आएंगे, स्क्वेयर 2A स्क्वेयर, माइनस 2 into 2A into B, माइनस B into 3C, माइनस 3C into 2A, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और नेक्स्ट इज 2A+4A² + B² + 9B² - 2AB - 3BC - 6AC, वो 18 और 8, ये यहाँ पे 18 था, 1 8, और वो नीचे ए स्क्वेयर, ये स्क्वेयर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ - 64y³, x³ - 4y³, a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, खुद भी करते जाएं कॉपी पर। x-4y x-4y ब्रैकेट क्लोज कर ली, x² - x(4y) + 4y² प्लस आएगा 4y² ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, नीचे नेक्स्ट आंसर में लिखेंगे x-4y(x²) + 4xy, नॉट वेट, 4xy + 16y², नो दिस इज आंसर। लेट्स एंड